कराची की सेशन अदालत में चाइनीज बाशिंदों के वीजों में तौसी के मामले में जालसाजी केस की समाअत हुई। एफआईए के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई निजी कंपनी की शिकायत पर की गई। चाइनीज बाशिंदों की वीजों में जाली तौसी में इस्लामाबाद पासपोर्ट ऑफिस का एक मुलाजिम भी मुलविस है। मुलजिम ने 7 चाइनीज बाशिंदों के वीजे में तौसी के लिए 1,40,000 रुपए रिश्वत तलब की। वीजों की मियाद में तौसी के बाद 40,000 रुपए वसूल और बाकी रकम बाद में लेने का कहा गया। मुलजिम रमजान शाहिद ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से चाइनीज बाशिंदों के जाली दस्तखत किए। मुलजिम रमजान शाहिद ने अपनी हैंड राइटिंग में चाइनीज बाशिंदों के फॉर्म भी फिल किए। मुलजिम के खिलाफ फ्रॉड, धोखा दही और दीगर दफात के तहत मुकदमा एफआईए एंटी करप्शन में दर्ज है। अदालत ने मुलजिम रमजान शाहिद को 4 अप्रैल तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने एफआईए को मुलजिम के खिलाफ चालान पेश करने का भी हुक्म दिया। राजा मोहम्मद साकिब, 24 न्यूज कराची।